गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है बिटवीन द एंड्स ए और बी। ए और बी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है ऑफ द गिवन सर्किट। आपको एक सर्किट दे रखा है जिसमें अपन को पिक्चर्स दे रखी है, ये 3 रेजिस्टेंस है और ये 1 है, ये 3 है। आप देखेंगे ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में क्या है, अटैच है, और ये तीनों भी पैरेलल फॉर्म में है। ये तीनों क्या है, सीरीज में अटैच हैं। तो अपन सबसे पहले इसको अपन सॉल्व करें, तो सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन ए मान लेते हैं, ये इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सबसे पहले ए में अपन सॉल्व करें, तो ये सारे क्या हैं, कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। रेजिस्टेंस तो पैरेलल में आपको पता है कैसे अटैच करते हैं, कैसे ऐड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको अपन आर वन मान लेते हैं, इसको आर टू, इसको आर थ्री, इसको आर फोर मान लें, इसको आर फाइव, आर सिक्स, आर सेवन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन अपॉन आर पी, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री। वैल्यू फीड करते पहले ये पिक्चर के इसको सॉल्व कर रहे हैं। आर पी आपको पता है सब रेजिस्टेंस टू 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 ही है, ओमेगा 2 ओम। तो आर वन की भी 2 ओम वैल्यू है, आर थ्री की भी 2 ओम है, आर वन की भी 2 ओम है। तो मैंने सबकी जगह ये 2 राइट कर दिया। अब एलसीएम ले लेंगे अपन, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 वन जा 2 1 वन जा 1 2 वन जा 2 1 वन जा 1 2 वन जा 2 1 वन जा 1। तो अपने पास जो 1 अपॉन आर पी आया है, ये अपने पास आया 3 अपॉन 2। अपने को आर पी चाहिए तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू इन्वर्ज हो जाएगी 2 अपॉन 3 ओम। तो ये अपने पास ये वैल्यू आई ए पिक्चर के लिए। तो बी पिक्चर अपने को पता है ये इसके साथ सीरीज में अटैच है, और ये वाली पिक्चर भी इसके साथ सीरीज में अटैच है। तो सी पिक्चर को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सभी की सेम वैल्यू है, ठीक है ना। इसकी भी सेम वैल्यू, इसकी भी सेम वैल्यू है, तो इसमें भी 3 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, इधर भी 2 ओम 2 ओम है। तो आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी पिक्चर को सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट पिक्चर जो बन जाएगी इसकी, ये पिक्चर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, इसकी 2 अपॉन 3 ओम, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 2 ओम, और ये भी सेम ही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपने पास 2 अपॉन 3 ओम। भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में अटैच है। सीरीज में आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे अपन उसको ऐड करते हैं, आर टू आर थ्री, 3 रेजिस्टेंस है। आर वन की जो वैल्यू है अपने पास 2 अपॉन 3 है, आर टू की 2 है, इसकी भी क्या है 2 अपॉन 3 है। आर एस में आर वन की वैल्यू अपने पास 2 अपॉन 3, आर टू की वैल्यू 2, आर थ्री की भी 2 अपॉन 3 है। तो इसको ऐड कर दें अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसके नीचे 1 लगा दें, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 टाइम्स 3 2 जा 6 3 1 जा 3 2 1 जा 2। तो अपने पास आर एस जो आया है वो आया है 10 अपॉन 3 ओम आंसर। इसको आप चाहें तो पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। पॉइंट्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9, ये वैल्यू चलती रहेगी। तो ये आंसर हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि अपने को ये सर्किट दिया गया था जिसमें इसका अपन ने सॉल्व करा, सेम ही था इसलिए इसका सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और मैंने क्या कर दिया,
सीरीज में ऐड कर दिया, और यदि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट से भी शो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका ये न्यूमेरिकल, और ये आंसर है अपना 10/3 ओम, जो कि सर्किट का क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए और बी के बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, ए रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ नाइक्रोम ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। एक नाइक्रोम की वायर है, मान लेते हैं ये एक ए बी नाइक्रोम की वायर है, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है इस वायर का आर बराबर 50 ओम। इज जॉइंट बैटरी, बैटरी से जॉइन है ये नाइक्रोम वायर, और ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी से अटैच है। द करंट इज पास थ्रू इट फॉर 1 आवर, और इसमें करंट पास हो रहा है, टाइम दे रखा है 1 आवर। डिटरमाइन द प्रोड्यूस हीट, आपको हीट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, निकालनी है। देखिए हीट के फॉर्मूला अपन ने कुछ देखे थे, अब वो फॉर्मूलाज में कौन सी वैल्यू यूज होगी, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसको अपन सॉल्व करें। अपन ने देखा था एच बराबर क्या था, पीटी। एक ये फॉर्मूला देखिए, पावर तो दे नहीं रखी, टाइम दे रखा है, तो ये तो यूज नहीं होगा। पी की वैल्यू अपन वीआई रख दें, क्योंकि पी बराबर वीआई होता है, तो वीआईटी, ये फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा क्योंकि अपने पास वी दे रखा है, आई नहीं दे रखा, और टी दे रखा है आर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ आर भी है और साथ में टी भी है, तो ये भी नहीं होगा। अब वी की जगह ओम रूल के अकॉर्डिंग आप राइट कर दें, वी की जगह आई आर राइट कर सकते हैं, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है ओम रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा अपने पास आई से आई स्क्वायर। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, ये सेकंड फॉर्मूला था, आई से आई स्क्वायर आर टी। देखिए अपने पास आर है, टी भी है, आई अपने पास है नहीं, और वी दे रखा, तो ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये यूज हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आई निकालनी होगी, ठीक है, फिर आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन आई की वैल्यू निकालेंगे फिर सॉल्व होगा, तो अपन यही फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकालेंगे, या इसमें अपन आई की वैल्यू राइट कर दें ओम रूल के अकॉर्डिंग। आई क्या होता है, वी अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा अपने पास आर टी। इसको सॉल्व करें, वी स्क्वायर का मीन्स क्या था, वी इंटू वी, आर स्क्वायर का मीन्स आर इंटू आर, आर से एक आर कैंसिल, तो अपने पास एच क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये हीट का नेक्स्ट फॉर्मूला था। अब देखिए अपने पास वी भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है, एच यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, इस फॉर्मूला से भी आंसर निकल सकता है। तो दोनों फॉर्मूला से रख के निकाल लें, पहले ये फॉर्मूला यूज कर लें अपन, हीट आपको निकालनी है, हीट का फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है, इसमें वैल्यू फीड कर दें, वी अपने पास 10 वोल्ट है, 10 का स्क्वायर, आर अपने पास 50 ओम है, टाइम दे रखा है 1 आवर, और जो 1 आवर टाइम है, यहाँ अपने को 1 आवर जो टाइम है, इसको सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ टाइम अपने को सेकंड में लेना है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं, तो अपने को टाइम की जगह क्या राइट करना है, 3600। क्लियर है, इसको आगे सॉल्व करें, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 × 10/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो अपने पास वैल्यू आई है 2 × 3600, तो ये हो जाती है 0, 0, 2, 6 = 12, 1 कैरी, 2, 3 = 6 और 1 = 7, और इसकी जो यूनिट होती है, अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, काटा, तो अपने पास ये वैल्यू आई और 7200, और हीट की यूनिट होती है जूल,
आंसर। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू फीड करी, टाइम को अपन ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और ये वैल्यू फीड करने से आंसर अपने पास आया 7200। आप चाहें तो इस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले अपने को इलेक्ट्रिसिटी निकालनी होगी जो अपने को दे नहीं रखी, तो फिर आप इस ये यूज कर सकते हैं। देखिएगा मैं करके बता रहा हूँ, आई स्क्वायर इंटू आर टी, क्योंकि अपने पास रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, आई नहीं दे रखा। आई निकालें अपन पहले, तो आई का फॉर्मूला आता है वी अपॉन आर, ठीक है। वैल्यू फीड कर दें, वी अपने पास कितना है 10 वोल्ट, आर अपने पास दे रखा है 50 ओम, तो आर की मैंने 50 राइट कर दिया। तो अपने पास आई की वैल्यू क्या आई है 1/5 एम्पियर। ये वैल्यू रख दीजिए फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। आई की जगह मैंने 1/5 रख दिया स्क्वायर, आर कितना है अपने पास 50 ओम, आर की जगह मैंने 50 राइट कर दिया। टाइम अपने पास 1 आवर है जिसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 3600। सॉल्व करें इसको, स्क्वायर का मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 5, 5 जा 25, 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो अपने पास वैल्यू आई है h बराबर 2 × 3600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ गया 7200 जूल। इस फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।